क्या नवीन साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और मैं यहाँ आप सबके साथ हमारे देश भारत की राजनीति के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर श्री गुलाम नबी आज़ाद जी 15 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से रिटायर हो रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, सन 2014 से 2021 तक नबी साहब एकमात्र कांग्रेसी लीडर रहे जो अभी तक राज्यसभा में बने रहे। ये दर्शाता है नबी साहब भारतीय राजनीति के कितने बड़े जानकार रहे। 10 फरवरी बुधवार को राज्यसभा में अपने फेयरवेल स्पीच के दौरान उन्होंने ये कहा, वो अब आज़ाद हैं, वो अब कोई एमपी, मिनिस्टर या कांग्रेस पार्टी में किसी भी पोजीशन की चाह नहीं रखते। एज अ पॉलिटिशियन वो अपने काम से संतुष्ट हैं। तो क्या आप नबी साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? किसी ने सही कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे पास यहाँ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे नबी साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं। पहला, जम्मू एंड कश्मीर राज्य नबी साहब का गढ़ है। नबी साहब की निजी और राजनैतिक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध है, जैसे कि आर्टिकल 370, 35A का हटाया जाना, NRC और CAA का लागू होना। नबी साहब इन सब के समर्थन में नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर नबी साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए क्या गेन होगा? मुझे डाउट है अगर वो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। इनकेस अगर वो बनना चाहते भी हैं, वो भी बीजेपी की रीत से बाहर है, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तब तक उनके लिए जम्मू एंड कश्मीर का नया मुख्यमंत्री या अगले मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। नबी साहब की उम्र अभी 71 वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को जानते हुए, जो कि कहती है 75 वर्ष के ऊपर किसी भी पॉलिटिशियन को पावर में नहीं रहने दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता नबी साहब यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते होंगे। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो नबी साहब हमारे अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि सन 2022 से 2023 के अंतराल में हमारे अभी के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पर ज़रूरी नहीं है नबी साहब को इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़े, वो बाहर से भी रहकर बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। अब इस विचार को भी हम समय पर छोड़ देते हैं, देखते हैं समय आगे क्या करवट लेगा। भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर अगर नबी साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, इससे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान मिलेगी। जाते जाते मैं आपको नबी साहब की फेयरवेल स्पीच में से एक छोटा सा क्लिप शेयर करता हूँ। बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूँ। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये देखकर मुझे भी भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।